डोमचांच प्रखंड के मसनोडीही में रविवार को कोविड-19 के वैक्सीनेशन के प्रति जन जागरूकता को लेकर जिला प्रशासन की ओर से संध्या चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त रमेश घोलप, कार्यकारी जिला प्रधान शालिनी गुप्ता, उप विकास आयुक्त आर रानीटा, एसी अनिल तिर्की, अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार सहित प्रखंड के कई आलाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त रमेश घोलप ने कहा कि जिला प्रशासन की पूरी टीम कोरोना चैन को तोड़ने को लेकर कोविड-19 के साथ साथ वैक्सीनेशन के प्रयास लगातार कर रही है। उन्होंने कहा, वैश्विक महामारी से पूरे देश का कोरोना के साथ जंग जारी है, ऐसे में आम जनता के सहयोग अपेक्षित बताते हुए अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगाने की अपील की और लोगों से किसी भी तरह की अफवाह में न आने की बात कही। वहीं जिला परिषद प्रधान शालिनी गुप्ता ने लोगों से वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हुए नियमित रूप से मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए सामाजिक दूरी की पालना करते हुए और अलर्ट रहने को कहा। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार ने लोगों से कोरोना पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए कहा कि यदि आप वैक्सीन लेते हैं तो उसके बाद यदि आप कोरोना से संक्रमित हो भी जाते हैं तो वायरस आपके शरीर में जाकर कमजोर पड़ जाता है और वह आपकी जान माल क्षति नहीं पहुंचा पाता। वहीं दूसरी ओर चौपाल के दौरान मेडिसिन लेने वाले बुजुर्गों महिलाओं से बातचीत कर वैक्सीन के दौरान होने वाली कुछ परेशानियों के बारे में पूछताछ की गई, जिस पर लोगों ने किसी भी परेशानी के ना होने से इनकार किया। समय में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कोविड के खिलाफ लड़ाई में, वो टीकाकरण है। और कहीं ना कहीं गांव देहात में टीकाकरण को लेकर जो भ्रांति है उसको दूर करना काफ़ी बड़ा चैलेंज प्रशासन के सामने है और उसको हम लोगों ने ये थाना है जिला प्रशासन को कि उसको हर हाल में दूर करके 100% लोगों का टीकाकरण करवाना। तो आज हम लोगों ने जिले के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पंचायत के मुखिया से लेके जिला परिषद के अध्यक्ष तक और बाकी भी अन्य भी जो पंचायत राज के प्रतिनिधि और अन्य जनप्रतिनिधि, उनके सहयोग से हमारा पंचायत हमारी जिम्मेदारी नाम से हम लोगों ने एक अभियान शुरू किया है। इसमें हमारे जिले के जो ऑफिसर्स हैं उनको हम लोग पंचायतवार नोडल पदाधिकारी बना रहे हैं। वो वहाँ पर जाके जो छूटे हुए लोग उनकी सूची बनवा के उसी पंचायत के लोगों का एक कमेटी गठित करके घर घर लोगों को जाके कन्विंस करेंगे, भ्रांतियों को दूर करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि सबका टीकाकरण। पिछले 2 सप्ताह से हमारे ऑफिसर विभिन्न पंचायतों में जा रहे हैं, जैसे आज भी 22 पंचायतों में हमारे 22 ऑफिसर गए हैं। तो और हमको पूरा उम्मीद है कि अगर गाँव के लोग सारी भ्रांतियों से निकल के ये ठान लें तो मुझे लगता है कि बहुत कम समय में 100% टीकाकरण का लक्ष्य हमें प्राप्त होगा। जिले के जितने जनप्रतिनिधि हैं, गांव के उस पंचायत के जितने प्रबुद्ध जन हैं, युवा लोग हैं, वो इसमें आगे आएँ और बढ़ चढ़ के अपने पंचायत को सुरक्षित रखने के लिए इस अभियान का हिस्सा होंगे।